हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम करने वाले हैं डायरेक्ट जो मेथड है एडिशन की और सब्स्ट्रैक्शन की, ठीक है, उसी में हम सम्स की प्रैक्टिस आज करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियोस में दिखा दिए हैं, सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपका ये फर्स्ट वीडियो है तो आप इसको देख सकते हो, अगर आपको बेसिक मालूम है। अगर बेसिक में कुछ लग रहा है कि रिविज़न की आपको ज़रूरत है तो प्रीवियस जो वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद के वीडियो भी मैंने डाल दिए डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। शुरू करते हैं, आराम से करेंगे, सब चीज़ ड्रॉ करते जाएंगे। एक भी चीज़ मैं डायरेक्ट नहीं कराने वाला आपको, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट करने वाली चीज़ नहीं है ये, क्योंकि हमको बच्चों को पढ़ाना है, समझाना है ना। तो एकदम प्राइमरी से धीरे 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 हम उसको अप लेवल तक ले जाने वाले हैं। शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको ऐसा कुछ पूछा हुआ है, समझिए, अगर आपको मैं बोल रहा हूं, अगर ये पूछा 2 + 2 + 5, ठीक है, फिर बोला है -1, फिर बोला है -1, और फिर से बोला है +3 या -1 हो गया। यहां पे ऐसा पूछा हुआ 2 + 2 + 5, -1, -1, और फिर से आपको पूछा हुआ है -5, ठीक है, और अगर आपको पूछा हुआ है इसके अंदर +2, और आपको बोला है बताइए इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है सम आपको, ठीक है। इस तरह का सम लंबा भी बना सकते हो, कितना भी लंबा है सम को बना सकते हैं, बट अभी इतना डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट अभी हम समझने का ट्राई करते हैं। एक एक चीज़ समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसका ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, इसको ड्रॉ करते जाते हैं साथ में समझते जाते हैं। तो पहले हम करेंगे 2 तो 2 कैसे करेंगे, 1 up 2 up, तो देखिए 1 up हो गया, ये हो गया हमारा 2 up। +2 करना है, +2 करना है तो फिर से 1 up 2 up, 1 up 2 up, तो ये हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया। +5 करना है, +5 क्या करते हैं, 5 को हम डाउन कर देते हैं, 5 को डाउन कर देते हैं, तो 5 को यहां से लेके डाउन कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया 5। अब क्या करना है, -1 करना है, क्या करना है आपको, -1 करना है तो इसको निकाल देते हैं 1, फिर से -1 करना है इसको निकाल देते हैं, -5 करना है इसको निकाल देते हैं, +2 करना है, +2 करना है फिर से +2 कर देते हैं। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे काम करने वाले हैं अबेकस के अंदर, हम अबेकस में करने हैं, डोंट वरी अबाउट इट। तो याद रखना है दो चीज़ों को, कि लोअर बिट्स हैं तो अप करना है, अपर बिट प्लस करना है तो डाउन करना है, अगर लोअर बिट्स माइनस करना है तो डाउन करना है, और अपर बिट माइनस करना है तो अप करना है, बेसिक बात है ये। चलिए सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे अब करने वाले हैं। पहले हम करेंगे 2, पहले हम क्या करने वाले हैं, 2 करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा 2 करना है पहले हमको, तो क्या करेंगे, देखिए 1 up 2 up, फिर से करेंगे हम 2 करेंगे इधर, देखिए है ना, तो फिर से 1 up 2 up, ये हो गया हमारा। +5 करेंगे, कैसे करेंगे, +5 करने के लिए 5 down, तो ये हो गया हमारा 5 down। फिर से -1 करेंगे तो 1 down 1, ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर से -1 करेंगे तो 1 down, फिर से -5 करेंगे तो 5 up, है ना, ये अप करेंगे, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, +5, तो क्या करेंगे, 1 + 2 + देखिए ये हो गया हमारा 1 plus, ये हो गया हमारा 2 plus, ये हो गया हमारा 2 plus, तो हमारा आंसर हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, हम लिख देते हैं 4 लिख देते हैं, तो ये हमारा मिल गया था 4। देखिए ये भी हमको 4 मिल गया। अगर आप ऐसे भी करोगे, है ना, तो भी आपको मालूम पड़ने वाला है कि इसका आंसर हमारा क्या होने वाला था, 4 होने वाला था, ठीक है, समझ, डायरेक्टली हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सम्स आपको प्रैक्टिस बुक में दिए हो सकते हैं, तो इसका आप लोग यूज कर सकते हैं। ये बात की मैंने एक सम की, एक और सम देखते हैं, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए, जितना प्रैक्टिस करोगे बाद के लेवल में आपको उतना ही आपको इंटरेस्ट आएगा और मज़ा भी आने वाला है। देखिए अगर आपको ऐसा दिया होगा 8 - 2, है ना, 8 दिया हुआ है, फिर आपको -2 दिया हुआ है ना, फिर आपको दिया हुआ है +1 दिया हुआ है ना, फिर आपको दिया हुआ है -5 दिया हुआ है आपको, तो बताइए इसका आंसर आपको क्या मिल रहा है ना।
इजी है, देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम, है ना। तो देखिए ए 8 है, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ए हो गया हमारा, ड्राइंग हो गया, ये 8 है, 8 है तो 8 कैसे करेंगे, देखिए 5 डाउन, ये 8 है तो 1 2 3, देखिए हो गया हमारा 1 2 3, ठीक है। तो 8 हमारा ये तैयार हो गया, यहाँ पर ये हमारा 8 हो गया। अब हमें क्या करना है, इधर -2 करना है, तो क्या करेंगे 1 डाउन 2 डाउन, तो इन दोनों को हम निकाल देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये दो हमारा निकल गया। अब करना है हमको +1, तो ये हो गया हमारा +1। क्या करना है हमको -5, क्या करेंगे 5 अप करेंगे, इसको निकाल देंगे, तो हमारा आंसर क्या बच के आ रहा है, देखिए इधर आपको 2 मिल रहा है ना, तो क्या मिल रहा है इधर 2 मिल रहा है आपको आंसर, ठीक है। तो देखते हैं इसमें अबेकस में हम प्रीवियस सम को हम क्या करते थे, पहले 0 0 कर देते हैं, समझ में आ रहा है, 0 0 पहले करेंगे, उसके बाद ही हम आपको आगे करा सकते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, समझिएगा, ये 8 है, पहले 8 को निकाल लेते हैं, चलिए तो 8 कैसे बनेगा, 5 5 प्लस 1 6 6 प्लस 1 7 7 प्लस 1 8, ये 8 हो गया। माइनस टू है तो -1 -2, +1 है तो +1 हो जाएगा हमारा ये, और -5 है तो 5 अप, ये हो गया हमारा 5 अप। तो क्या बच रहा है हमारे पास, 2 बच रहा है, यस, इजी है, समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर हो रहा है ना। तो हम लोग इस तरह के सम्स भी इजीली हम इसका यूज करके कर सकते हैं, अबेकस का यूज करके, ठीक है। अच्छा चलिए आगे देखते हैं, चलिए अभी हम करते हैं 2 डिजिट करते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे समझते हैं, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पर दिया हुआ है जी, अगर हमको यहाँ पर दिया हुआ है 25 प्लस 13 13, है ना, ऐसा कुछ हमको दिया हुआ है ना, और फिर किया हुआ है उसके अंदर से कि -2 और 3, ऐसा हमको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 2 डिजिट के अंदर अगर हमको ऐसा कुछ सम दिया हुआ है तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिएगा पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं जी, ये प्रैक्टिस के लिए है वीडियो खास, आपको साथ में प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट भी साथ में आपको होता रहेगा, और भी वीडियोस में बना रहा हूँ, ठीक है, और बनते रहने वाले हैं ये, ठीक है। तो जो भी हमारे लाइव लेक्चर चलते हैं उसका हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो आप लाइव भी हमारे पास पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपको लग रहा है कि और भी कुछ आपको सीखना है तो आप हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, कोई मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे अपने कन्वीनियंट टाइम पर पढ़ सकते हो, है ना, और जो भी आपको सपोर्ट चाहिए वो भी हम आपको दे देते हैं, है ना। चलिए समझिएगा, काफ़ी इजी है ये, 25 दिया हुआ है हमको, 25 दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम, देखिए 2 और ये हमारा है इधर 5 दिया हुआ है, तो ये 25, देखिए ये हो गया हमारा 2 हो गया, है ना, ये हो गया हमारा 2 1 2, ये 5 करना है हमको, ये हमारा हो गया 5 25 25, ठीक है। अभी क्या करना है हमको यहाँ पर जी, यहाँ पर हमको करना है अभी +13, तो +13 करने के लिए क्या करेंगे, पहले करेंगे हम +1, चलिए कोई दिक्कत नहीं है +1, और बाद में क्या करेंगे हम +3 करेंगे, कर देते हैं 1 2 3, ठीक है, एकदम इजी है, तो ये भी हमारा हो गया। अभी कर रहे हैं हमको -23 तो -2 -3 -2, और ये हो गया हमारा -3, -2 और ये हो गया हमारा -3, ये हो गया हमारा क्लियर ना कट। आंसर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है 1, इधर आ रहा है 5, ये आ रहा है 1 और ये हमारा आ रहा है 5, इतना हमारा आंसर आ रहा है। तो अब एक इसमें प्रैक्टिकली करेंगे, प्रैक्टिकल में इसमें कैसा हमारा यूज, देखिए समझिए, तो 25 है ये, 25 है, देखिए 2 5 25 हो गया हमारा, ये 25 हो गया, 1 3 तो 1 करना है तो 1 अप 3, 1 2 3, ठीक है। -23 है तो क्या करेंगे, देखिए 2 डाउन -3 है, 1 2 3, आंसर क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर 1 बचा हुआ है और यहाँ पर क्या बचा हुआ है आपका 5 बचा हुआ है, देखिए आंसर आपका आ गया
1550, ठीक है। तो इस तरह से आप सम्स कर सकते हैं। इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये 3 नंबर्स ही हैं, काफ़ी सारे नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर्स तक भी ये सम्स हम बच्चों को आप करवा सकते हैं, ठीक है। वो बच्चा धीरे धीरे डेवलप करता है, उसको आप दे दोगे, फिर अभी अबेकस करना होता है। जब अबेकस की प्रैक्टिस उसकी हो जाएगी तो फिर वो अबेकस को छोड़ देना है और धीरे 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 वो मेंटल मैथ्स करेगा। तो मेंटल मैथ्स कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। और धीरे धीरे आपको मैं प्रैक्टिस कैसे बच्चों करनी है वैसे मैं आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। अबेकस भी करवाएंगे हम लोग, आपको मेंटल मैथ्स भी करवाएंगे, ठीक है। और वैदिक मैथ्स का कोर्स भी हम आने वाले समय में हमारा अपलोड हो जाएगा, है ना। वैदिक मैथ्स का भी हमारा हो जाएगा, वैदिक मैथ्स कैसे क्या होता है, किस तरह का हम करवाते हैं, ठीक है। हाँ, वो भी फ्री में मिलने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एजुकेशन शुड बी फ्री, एजुकेशन आपको फ्री में, नॉलेज आपके पास है तो यू शुड गिव, है ना। हाँ, तो हाँ, इसके अंदर होता है कि अगर आपको कंट्रीब्यूशन करना है तो यू कैन कंट्रीब्यूट, है ना। अगर आपको लग रहा है कि भाई हमको बेनिफिट हो रहा है तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। बड़ा वीडियो आपको मिलते रहेंगे, इसके फिक्र मत कीजिए, और अपलोड हम करते रहेंगे। अभी हमको मेंटल मैथ्स की मैं बात कर रहा था आपके साथ में। तो मेंटल मैथ्स क्या है? तो मेंटल मैथ्स आप काफ़ी सारा आपको होगा दिमाग में, सर कैसे बच्चा खुद कर लेगा, समझा देता हूँ आपको मैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की थी लेक्चर्स के अंदर, तो वही सम करते हैं, है ना। देखिए, जैसे कि हम कर रहे हैं 1 + 1 + 2 हमको करना है, ठीक है। जैसे हमें करना है 1 + 1 + 2, ये हमको करना है विदाउट अबेकस, विदाउट अबेकस करना है। तो पहले अबेकस का जो भी है हमको मालूम होना चाहिए कैसे हम काम करते हैं। तो पहले अबेकस में आपको मालूम होना चाहिए, है ना। आपको मालूम ही है, क्या है मालूम आपको, कि हमको पहले 1 करेंगे, हम लोग 1 अप करेंगे, प्लस करना है, 1 अप करेंगे, प्लस 2 करना है, तो ये 1 अप हो गया। तो 4 आंसर हमारा आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ रहा है। तो हम मेंटल मैथ्स में क्या करेंगे आप समझिएगा, हाँ, उसके भी वीडियो में धीरे धीरे बनाते रहने वालों। मेंटल मैथ्स में कैसे आपको याद करना क्या होता है, 1 digit 2 digit, यहाँ तक आपका प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद आपको बच्चे को मेंटल मैथ्स करवाना शुरू कर देना चाहिए। तो देखिए, 1 हो गया, अब समझिए अभी क्या करना है। जो भी कुछ किया उसको टच नहीं करना इधर, जैसे ये हमारे जो भी बीट्स है ना, इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए। यहाँ पे जैसे आपको दिमाग में आपको दिखने चाहिए, बच्चे को बोलना है आपको, आपको दिखने चाहिए। जैसे ये यहाँ पर कॉलम है, ऊपर एक है, नीचे आपको दिखना चाहिए, है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, कैसे करोगे समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर 1 है, तो आप मूवमेंट करो, यहाँ पर मूवमेंट नहीं करना है, माइंड में मूवमेंट करो 1 अप, ऐसे उसको उंगली रखो ऐसे करके 1, माइंड में आपको 1 अप हो गया। फिर एक और अप करो, तो दो माइंड में आपके 2 बार गया ऊपर, फिर से प्लस 2 करना है, तो क्या करेंगे प्लस 2 के लिए 1 2। तो अभी आपके दिमाग में आ गया होगा कि एक लाइन है, लाइन में यहाँ पर 4 बीड्स हैं, और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, टोटल 4 हो गए आपके पास। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, 4 4 आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसको मेंटल मैथ्स बोलते हैं अबेकस के अंदर, बेसिक है। तो धीरे धीरे आपको समझाऊँ कैसे इसको दिमाग में सेट करते हैं। तो हो गया 1 + 1 + 2 क्या होगा हमारा, 4 होगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट को, या आपको भी क्या कर रहे हैं, पहले विद अबेकस कर देना है। जितने भी हमने आपको असाइनमेंट है वो सब दिया हुआ है, उसको आप स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन भी सब कुछ अवेलेबल रहता है, लेवल वाइज आप कर सकते हो। ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, आपको अगर चाहिए तो हमको बोल दीजिएगा, हम आपको भिजवा देंगे मटेरियल। तो ये 1 + 1 + 2 हो गया 4 हमारा, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, आपको विजुलाइज करना है। अभी यही बात है, बच्चे का माइंड डेवलप क्यों होता है, जो चीज़ मेडिटेशन में बेनिफिट होता है वही इसमें होता है। उसको कंपलसरी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा माइंड को। तो क्या करेंगे, देखिए 1, तो 1, फिर से 1 करना है तो 1, फिर से क्या करना है 2 1 2। तो कितना मिला आंसर, उसको क्या विजुलाइज होगा, उसने जो जो बीड्स थी वो धीरे धीरे कहाँ ले गया, 1 ले गया पहले, फिर एक और ले गया, फिर 2 और ले गया, तो 4 हो गई। तो उसके माइंड में वो छप जाएगा। तो कितना आंसर आ रहा है, 4, ठीक है, समझिए। अब बेकस पर हम देखते हैं 1 + 1 + 2 1 2, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 4 आ गया, ठीक है। ये बेसिक है, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में हम और भी इसके बारे में पूरा समझते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाने वाले हैं, ठीक है। तभी आपका क्या काम है, डायरेक्ट मेथड से जो भी प्लस है, माइनस है, 1 digit 2 digit 3 digit, वो सारे के सारे आपको प्रैक्टिस करते रहने, ठीक है। और
और जो लेक्चर्स हैं मेरे बिग फ्रेंड्स के और स्मॉल फ्रेंड का जो फंडा है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी हो चुका है, ठीक है। तो सारा का सारा फंडा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको मैंने दे दिया है, उस पूरे को आप पहले इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद आप आगे पढ़िएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर 2 डिजिट है और विजुलाइज करवाना है बच्चे को तो कैसे कराओगे आप? देखिए, जैसे कि हमको ये करना है कि 98 है ना माइनस 54 है ना, ये हमको बच्चे से करवाना है ना, ये बच्चे को हमको विदाउट मेथड, मतलब ऐसे ही बच्चा फटाफट बोल दे है ना, तो हमको अगर ऐसे पहले समझिएगा, उसको पहले बोलना है कि 98 जो है ना 98 उसके माइंड में सेट कर ले, है ना। 98 का सेट कैसे होगा देखिए, समझ, 9 कैसे करेंगे, 9 के लिए क्या होगा, 5 डाउन और ये 4, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। और 8 कैसे करेंगे, 5 6 7 8। तो ये हमारा क्या बन गया, 90। तो क्या करना है आपको माइंड में, पहले 9, जैसे कि 9 का जो भी है ना आपको दिमाग में सेट कर दीजिए कि 9 है, तो इधर डाउन कीजिए, 1 2 3 4 9, फिर 8 5, 1 2 3, तो 9 और 8 आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, 9 हो गया इधर, 8 हो गया, ठीक है। तो 9 हो गया एक तरफ, एक तरफ क्या हो गया हमारे पास, 8 हो गया। अब हमें क्या करना है, माइनस क्या करना है हमको, 54 करना है, ठीक है। तो माइनस 54 करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करना है इसको हम निकाल देंगे, और 4 निकालना है तो हम ये, हाँ इसमें 4 तो हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। मैं सबको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, इसमें काम करता हूँ मेरी, इसमें मैं ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ, ठीक है ठीक है। वो आ जाएगा, पर वो बिग फ्रेंड्स का फंडा आ जाएगा इसके अंदर, इसके लिए है ना, बिग फ्रेंड्स स्मॉल फ्रेंड, वो मैं अभी इस लेक्चर में, मैं अभी हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं इसके लिए। तो ये हमारे 3 निकाल देते हैं, तो हमारा क्या बचा यहाँ पर, 4 यहाँ पर 5, क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पर 4 यहाँ पर 5, ठीक है, यहाँ पर 4 यहाँ पर हमारा क्या बचा है, 5 बचा है। तो ये चीज़ आप एबेकस में तो कर ही सकते हो, तो पहले एबेकस में बच्चा प्रैक्टिस करेगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो कैसे प्रैक्टिस करोगे, तो क्या 98, तो पहले माइंड में आप सेट कीजिए 5 डाउन, फिर 1 2 3 4, 9 हो गया हमारा सेट, फिर 8 सेट करेंगे, 5 1 2 3, तो 98 हमारे माइंड में सेट हो गया, 9 हो गया 8 हो गया। अब माइनस करना है, तो माइनस करना है 5 3, तो माइनस कर दो 5, कर दो 3, 5 3, देखो 5 3। तो अभी आपको विजुलाइज होगा यहाँ पर कुछ बचा है, क्या बचा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 4 बचा है, यहाँ पर 5 बचा है, यहाँ पर 4 बिट्स है, यहाँ पर एक 5 वाली बिट्स है, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यस। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये स्टूडेंट को आपको दे देना है, ये स्टूडेंट को आपको दे देना है, या आपको अपने पास इसको रखना है, आप वर्बली भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो करने के बाद एबेकस पे करवाना है पहले, तो क्या आप फटाफट एबेकस में कर दीजिए, एबेकस में प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद एबेकस उसे ले लीजिए और उसको बोलिए हैंड के मूवमेंट से आप बताइए कि 1+1 कितना होता है, तो बोलेगा 1+1 2, फिर एक और नंबर बढ़ाइए 1+1+5, तो 1 1 2 और 5, तो 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। तो ऐसे वो धीरे धीरे बच्चा विजुलाइज करेगा, ऐसे हम अलग अलग अब 1 डिजिट 2 डिजिट में कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे प्रैक्टिस करनी है उसकी, कितने सम्स करने हैं, वो शुरुआत में तो आप समझिए खाली, ठीक है, धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, आपको अगर कुछ सीखना है आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कंट्रीब्यूट करना है अगर हमको, आपको हमको तो आप यू शुड, अगर आपको लग रहा है कि कंट्रीब्यूट करने जैसा है तो आप कंट्रीब्यूट भी हमको कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट में हमको हम लोग आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है, बाय।